इस समय हम सरोड़ा में हैं और ये मढ़ ज़िले में आता है पूरा पोर्शन। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर दिक्कत परेशानी किसानों की क्या आ रही है। फिलहाल ये तमाम किसान इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर और इन्होंने जो कटाई की थी, जो फसल थी, वो आगे मंडियों में सरकार को देनी थी, लेकिन मंडी जो है वो बंद हो गई है और इनकी फसल इन किसानों की बची हुई है, पड़ी हुई है, दे नहीं पाए और ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि करें क्या। अगर उस मंडी में नहीं देते हैं तो बाहर इन्हें सस्ते भाव में देनी पड़ेगी, लेकिन मंडी अब दोबारा खुलती है कि नहीं उसको लेकर ये लगातार अपील भी कर रहे हैं कि खोली जाए ताकि ये अपनी फसल दे पाएँ। सबसे पहले मैं किसानों से ही बात करूंगा, यहाँ के लोकल हैं। मुझे ये बताइए कि कब फसल कटाई की थी और आपने कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि उसको अपनी फसल दें? सर, हमने पहले 20 दिन पहले कटवाई कराई थी फसल की, तो वो कह रहे हैं कंडे में अभी वेट कर लो, दो दिन हमें बारी नहीं है। तो करते करते फिर 30 तारीख आ गई, वो कह रहे कंडे बंद हो गए। बस लास्ट डेट क्या रखी थी उसकी? 30 तारीख। नहीं सर, पिछले साल कोई लास्ट डेट नहीं थी, पिछले साल कोई लास्ट डेट नहीं थी, इस बार ही लास्ट डेट रखी है। तो उसके बाद आप लोग गए, आपने बोला क्या बोले? वो कह रहे पहले तो हमारे पास बोरी नहीं है, बार दाना किसमें भरेंगे, अगर हम ले भी लेंगे तो आपके पैसे अकाउंट में नहीं आएंगे, तो फिर हम वापस आ गए। अगर नहीं सरकारी ये मंडी नहीं उठाती है तो बाहर किन दामों में आपको बेचना पड़ेगा? बाहर 1400 रुपया, 1500 रुपया, 1500 रुपये से ऊपर कोई नहीं खरीदने को तैयार है। तो अब वो भी देख रहे हैं कि ठीक है मार्केट बंद हो गई है तो हमें अच्छा मतलब खासा खाने को मिलेगा, सब प्राप्त होगा। तो इसलिए किसान जो है बहुत परेशान है, ये सरकार जो है हमें बहुत गुमराह कर रही है। पहले तो हमें जो बारिश ने, ओलावृष्टि ने मतलब बर्बाद किया, उसके बाद जो बची खची हमने वो मशीन वाले नहीं मिल रहे थे, मशीन वालों से बहुत लेट कटवाई हुई। जब मशीनें आ गई, कटवाई की, अब 20-25 दिन हमने कटवाई करके ढेर लगाए तो मंडी में गए, कहने लगे जी पहले कार्ड बनाइए। कार्ड बनाने में हमें 10-12 दिन का समय हमें मिल गया, कार्ड बना 10-12 दिन वेस्ट हुए उधर, काम छोड़ा। अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि क्या करें क्या नहीं करें। मंडी में जाते हैं तो उधर हमने ट्रालियाँ ली थी, लगाई थी, 10-15 दिन उधर खड़े रहे, 4-5 दिन रोज़ सुबह जाना, शाम को वापस आना, लेकिन उधर बारी ना आई। 8-10 लेबर लगाया उन्होंने, उधर 25-25 ट्रालियाँ लगी हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो 4-5-6 ट्रालियाँ निकालते हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो ऐसे ही सभी परेशान हैं, इसलिए वो मंडी वाले जो हैं, जो इंचार्ज जो है, वो बोलते हैं जी अभी जो है धान हम नहीं लेंगे, ना हमारे पास बार दाना है, ना हमें ऊपर से आर्डर आ गया है कि 30 को हम मंडी बंद हो गई है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सरकार जो है किसानों के साथ किस किस्म का मजाक कर रही है। ये मंडियां जो है तकरीबन जो है जनवरी तक खुली रहनी चाहिए थी, लेकिन देखो पहले भी जो मंडियां चलती थी हमें तो एक खुशी हो रही थी कि चलो ठीक है सरकार का ये सिस्टम जो है अच्छा है तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा क्या होना है, जो हमें फसल का वो भरपूर जो जितना लाभ मिलना था वो तो हमें अब मिला नहीं, खेत में गिर गई ओलावृष्टि की वजह से। अब जो बची खुची हमारे पास आई वो मंडी वाले नहीं उठा रहे हैं। सरकार जो है हमें अब कोई परेशानी सरकार की वजह से है और कोई परेशानी नहीं है, ना तो हमें अब घर में चैन है, ना रात को सो रहे हैं, ऊपर से बारिश का मौसम हो गया, बार मंडियों से जो ट्रालियाँ जो है मुंजी की हमने घर उल्ट कर ढेर लगाए हैं, आपने देखे ही होंगे। तो इस तरह से हमारे 25-30 ट्राली कम से कम हमारे गांव में पड़ी है, वो सभी परेशान हैं। कोई मतलब किसी के पास बोलता है, कोई नहीं मान रहा, लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मंडी वालों के जाते हैं बोलते हैं रुको जी अभी 10 तक हम वेट करो, देखते हैं ऊपर से क्या जवाब आता है। जब हमें नहीं समझा रहा कि सरकार का क्या जवाब आएगा, कब आएगा, जब किसान ख़त्म हो जाएंगे। एक तो ये बोलते हैं कि किसान जो है हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, अब ये रीढ़ की हड्डी को जो सरकार तोड़ने के लिए खड़ी है। अब किसान जो है ना तो उनको खाद मिली, बिना खाद के हमने कणक बोई, तो हमारा जो सारा सिस्टम जो है सरकार की वजह से हम परेशान हैं। हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है दोबारा सेंक्शन दे, हमारी खरीद जो है वो चलनी चाहिए मंडियों में, और हमें जो इसका पैसा है जितना भी जैसे जिस हिसाब से वो दे रहे हैं वो हमें मिले और हम आगे अपना कामकाज जो है उसको चलाएं। सरकारी रेट क्या था इस बार का तय हुआ? 1960 रुपये। और अगर सरकारी रेट पर नहीं अगर जाती है, मंडी नहीं खुलती, तो बाहर क्या रेट पर? बाहर सर अपनी मर्जी से लेगा, कोई 1300 लेगा, कोई 1400, कोई इतना ही लेंगे। पर जितनी आपकी लागत है उतने पैसे बना पाएंगे? पैसे नहीं पूरे होते हमारे, खर्चा भी नहीं पूरा होता हमारा, और डीजल ही इतना महंगा, आप सोचो कैसे ट्रैक्टर से बुआई करनी है, कुछ करना, ये सब कुछ बड़ा महंगा है। अभी क्या बोला गया कि 10 तारीख तक इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं खुलेगी कि नहीं? अभी कुछ नहीं बोला, कोई कह रहा है उधर दफ्तर में होता ही कोई नहीं है, कौन लगाई जी सोमवार लगाई है, वहाँ पे कोई नहीं है।
आपकी कितनी जमीन थी जो इसमें आपने ये लगाई थी? 72 कनाल। तो अभी जो आपके जो निकली है जो अभी अनाज निकले वो कितना लगभग पड़ा हुआ है? जो कि 15-20 बोरियां निकलियां, बाकी तो कोई पहले ऐन पई गई बरखा जी पई गई वो झड़ी चुड़ी गई, हूँ कोई 15-20 बची गई मेरे को, वह बची है हूँ ना मैं खाद लब्भा दी है ना मैं बीज लब्भा दा ना मैं बुआई लब्भा दी है, कोई किश नहीं, बड़ा परेशान है ये पर सारा दारा दरमा रहा मेरा और कोई मेरे को जुगाड़ नहीं है। किसान कार्ड बनाया रहा अपना? हाँ, किसान कार्ड। किसान कार्ड के थ्रू जी सरकार आखते हैं कि अस मुआवजे दें या फिर जो समय समय पर पैसे जी केंद्र सरकार दी है तुहाड़े खाते च आ रहे हैं किसान कार्ड? वो जरा 2000 वाला 2000 चंद लोग आवा दा कदे आंदा कदे बंद हो जाता कदे आवा दा कदे बंद हूँ तो कोई साल हो ही जमी आए। हूँ जी ओलावृष्टि हुई ही ओले डिगे हे वह मुआवजा मिले हाले तक? कोई कुछ नहीं। थोड़ा भी नुकसान होया? हाँ, बड़ा नुकसान होया, सारी बर्बाद हुई। हाँ, बर्बाद हुई। मतलब वो भी मुआवजा नहीं मिलिया तो मंडी ने भी अनाज नहीं चुकया? मंडी ने अनाज नहीं चुकया, मी तो बाही राही का मुश्किल हो गया, कोई तेल मसाला कुदै जाना आना कोई बंद हो गया, ना मी बीज लब्भा दा ना मी वो मसाला लब्भा दा, ये तो मैं खेतर खेड़े रहे, मेरे पैसा नहीं है तो मैं कुत्थों देना, मेरी मुंजी है घर ये पर दारा दमारा सारा मेरा तुहाड़ा है तो बाकी का भी इो हाल होना नहीं नहीं बिच कई लोग ऐसे भी है ना जो जागत मुलाजम मुलुजम ने उनका चाला माड़ा मुटा चली जा रहा, मेरा सड़ा मुड़ा 72 कनाल आए का बेला कोई ना पुत्र मेरा नौकर ना किश कर जिम्मेदारी करा दो त्रे बा पुत्र कोई मुलाजम नहीं है साढ़े जिम्मेदारी पर ही है सारा खा अपना जो रोजगार मतलब खाना रोजगार करना कोई सब्जी भाजी लाई ले किश लाई ली वो खाद मसाला नहीं सानू थोड़ा दा हूँ पैसे ही होने खाद मसाला लब्भे पैसे नहीं होंगे कोल इये मुंजी बेची है तो मैं खाद लैनी ही और रैन होना पे इन्हें झाड़ी झूड़ी मुंजी तो कोई 15-20 बोरियां मेरे को मुंजी बची आई नवी बस ये कहानी है मेरे को। हमारे जम्मू के किसान हैं सरोरे गांव है ये और इस तरह के और भी नज़दीक के कई सारे गांव हैं जहां पर फसल कटकर इन्होंने रखी हुई है क्योंकि 30 नवंबर को जो है जो अक्टूबर को है वो मंडी बंद हो गई थी और 30 नवंबर को माफ़ कीजिए नवंबर मंडी जो मंडी है वो बंद हो गई थी और उसके बाद जिनकी मशीनों से कटाई हुई वो कटाई देरी से हुई और वो अब नहीं दे पा रहे हैं मंडियाँ बंद होने के कारण अब इनको मजबूरी है कि कम भाव में बेचनी पड़ेगी अगर सरकारी मंडी में अनाज नहीं देते हैं। दूसरी और जो ओलावृष्टि है उसका मुआवजा नहीं मिला है और जिनको खाद उपलब्ध करवाती है सरकार वो भी कई किसानों का कहना है कि हमें नहीं मिली है जिस कारण आगे की बुआई हम कैसे करें क्योंकि अगर हम अनाज बेचते तो उसी पैसों से हम आगे खाद खरीदते और ज़मीन में डालकर अपनी अगली फसल उगाते। लेकिन फिलहाल इस जो मड़ में जो ये सरोरा इलाका आता है सरोरा गाँव आता है और इसके आसपास के इलाके हैं यहाँ पर लोग परेशान हैं क्योंकि मंडियाँ बंद होने से अब अनाज बेचने को उनको नहीं मिल पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल स्टेट टाइम्स जम्मू।